हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोनेरा का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखे थे तीन क्लास थे। आर्की बैक्टीरिया था, यू बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में हमने उस क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साइनो बैक्टीरिया के बारे में। क्या होते हैं साइनो बैक्टीरिया? साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है क्लोरोफिलस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, और आप जानते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो नेचर में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कैसे होंगे? क्लोरोफिलस बैक्टीरिया होंगे और ऑटोट्रॉफिक होंगे नेचर में। दूसरा कैरेक्टर मेन क्या है कि ये प्रोकैरियोट्स हैं। आपने पढ़ा था मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सभी प्रोकैरियोट हैं। तो ये मोनेरा का ही तीसरा क्लास है, तीसरा एक ग्रुप है। तो इसमें भी जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? प्रोकैरियोट्स होंगे, और प्रोकैरियोट्स होंगे तो उनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ट्रू न्यूक्लियस की जगह क्या होगा? न्यूक्लियोइड, जिसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहेगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। दूसरा 70S राइबोसोम होगा, ये भी ठीक बात है। पिछली बार हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसको दो यूनिट कौन सी थी, 50S और 30S, तो इसकी दो यूनिट होंगी। तीसरा, सेल वॉल किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों अलग अलग चीज होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो पूरा एपरेटस होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा लेकिन थाइलोकॉइड प्रेजेंट होगा। और उस थाइलोकॉइड में क्या क्या चीजें होंगी? क्लोरोफिल होगा, कैरोटिनोइड्स होंगे और फाइकोबाइलिन्स होंगे। ये तीनों चीज मिला के क्या बनेगा? थाइलाकोइड सेल्स प्रेजेंट होंगी लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होगा। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें क्या होगा? जो ये खाना बनाएंगे वो कौन सा होगा? साइनोफाइसियन स्टार्च होगा, लिपिड होगा एंड साइनोफाइसियन प्रोटीन होगा। ये तीन तरह के फूड इसमें बनेंगे। नेक्स्ट है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? बाइनरी फिजन है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बाइनरी फिजन हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या होता है, कि जिसमें सेल जो है बैक्टीरिया की वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और दोनों अलग अलग पार्ट एक नई सेल बना लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर बनेंगे जो कि अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करेंगे, और जब भी कंडीशन फेवरेबल होगी तो ग्रो करके नए बैक्टीरिया बनाएंगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो कई पार्ट्स में बढ़ जाता है और हर पार्ट जो है वो नई सेल एक बना लेगा, जो एल्गाई है या बैक्टीरिया है जो भी है। नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रिमिटिव टाइप है, वो भी इसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हम लोगों ने देखा था कि जिसमें नाइट्रोजन को ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये कौन से स्पेशल सेल्स के थ्रू होता है? हेटरोसिस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हेटरोसिस किस में होता है, तो आप बताएंगे ब्लू ग्रीन एल्गा में होता है या साइनो बैक्टीरिया में होता है ये हेटरोसिस, जिसकी मदद से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फिर है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये बनाते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी हमने देखा था पिछली बार। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद करें। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है लगभग लगभग सभी यूकैरियोट से बनाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ग्रीन एल्गी है, मॉसेस है, फर्न्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है एंड स्पॉन्जेस हैं। तो इतना सा था साइनोबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे वो ये हैं। अब इसमें से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनते हैं मेनली। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि क्लोरोफिलस बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे प्रोकैरियोट्स हैं ये सभी, ये पूछा जाता है। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व फूड मटेरियल बहुत पूछा जाता है, साइनोफाइसियन स्टार्च है, ये आपको ध्यान रखना है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें प्रेजेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके थ्रू होता है? हेटरोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। हेटरोसिस के थ्रू इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये भी ध्यान रखना है।
और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं बहुत सारे यूकैरियोट्स के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साइनोबैक्टीरिया के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और चीजें पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।